नेताजी और आलिया कृष्ण जी ने चीजों को आगे बढ़ाया, उन्हीं को लेके चलूंगा और लोगों के साथ जो जज्बाती रिश्ते उन रिश्तों को निभाते हुए आजमगढ़ की सरजमी की जो शान रही है संसद के अंदर, हम अपनी तरफ से बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। पांच से आज भोजपुरी कलाकार लगे हुए साथ में, अपना है तो भी नहीं, वो बीजेपी की सदस्य हैं, वो बीजेपी की सदस्य के तौर पे जो करना चाहेंगे करेंगे, उसके लिए हम तो कुछ नहीं कह सकते। सर मोहन यादव भी आ रहे हैं, नहीं आने दीजिए, कितना सर आने दीजिए, जिसको भी आना है आ जाने दीजिए, सबको अपनी तमन्ना पूरी करने दीजिए। मैं ये चाहता हूँ कोई ऐसा न रह जाए जिसकी तमन्ना पूरी ना हो। बाकी तो आजमगढ़ के लोग फैसला क्या लेंगे वो मैं समझता हूँ, आजमगढ़ तो छोड़ दो, देश के तकरीबन सभी को पता है। धर्मेंद्र भैया आज एक ऐसा संयोग है जहाँ पे डिम्पल भाभी की बात आ रही है, तो दूसरी तरफ कर्णा जी का, इसको आप क्या करेंगे? देखिए आदरणीय डिम्पल जी इस देश की आधी आबादी की सबसे मैं समझता हूँ लोकप्रिय लीडर है, और अभी दो दिन पहले वो आके यहाँ पे आजमगढ़ के लोगों के बीच अपनी अपील और जज्बात का इजहार करके गई हैं, तो मुझे यकीन है कि उनकी अपील पर यहाँ की हमारी माताएं बहनें, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग हमें अपना पूरा समर्थन देंगे और ऐतिहासिक सहयोग मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। आपका तय था रोड शो, लेकिन आज प्रदूषण की वजह से नहीं, नहीं मेरा तय है, थोड़ा सा चेंज जरूर किया है प्रशासन के लोगों ने, हालांकि नियम विरुद्ध किया है, क्योंकि ये नियम होता है जो पहले एप्लीकेशन देता उसी को परमिशन होती है। मेरी एप्लीकेशन 16 तारीख की थी, हालांकि उन्होंने टाइम का कुछ चेंज किया, लेकिन जो चेंज किया है उस चेंज में ही हमारे समाजवादी साथी दिखा देंगे आज आजमगढ़ में। आज रोड शो से क्या संदेश देंगे? कुछ नहीं, लोगों से अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आजमगढ़ के लोगों से सहयोग मांगेंगे, और चूंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तो एक तरह से ये जो मांगा हुआ समर्थन वोट में तब्दील होगा। धर्मेंद्र भैया एक प्रश्न और है, भाषा शैली आप लगातार देख रहे हैं, 5 चरण के मतदान के बाद शीर्ष नेतृत्व की लगातार बदल रही, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और स्वयं प्रधानमंत्री जी, मैं ये मानता हूं प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, किसी भी दल के हो वो अलग बात है, लेकिन जिस स्तर को गरिमा को उन्होंने गिराया है, इससे मैं समझता हूँ उस पद की गरिमा गिरी है। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर उन्होंने हमले किए हैं व्यक्तिगत तौर पर, ये हमले बहुत अशोभनीय हैं, और कोई और व्यक्ति करता तो अलग बात थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराई।